हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय नेम इज सिद्धार्थ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोस्तों फाइनली आज छः मार्च है और आज आ गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट जी हाँ जिसमें अभी आप लोग की फाइव फिफ्टी वन वैकेंसी थी जिसमें ऑफिसर स्किल टू ऑफिसर स्किल थ्री ऑफिसर स्किल फोर एन ऑफिसर स्किल फाइव जो अभी हाल ही में आपका एग्जाम भी हुआ था है ना जनवरी के मंथ में तो उसका रिजल्ट जो है दोस्तों फाइनली आ चुका है और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है सबसे पहले तो भाई बहुत सारी बधाई बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी स्पेरेंट्स का जिनका एग्जाम क्लियर हो गया हाँ बाईस जनवरी को आपका एग्जाम था ऑफिसर स्किल टू ऑफिसर स्किल थ्री एंड सोन उस एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आ चुका है और सबसे बड़ी बात है ना इस रिजल्ट की ये बात है कि यहां पे जो रिजल्ट आपका आया है उसमें सभी बच्चों के मार्क्स यहां पे गिवन है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके भी यहाँ पे मार्क्स वगैरह गिवन है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाएगी कि क्या सेक्शनल कट ऑफ रही है कैसे चेक करना है रिजल्ट इन तमाम चीजों का डिस्कशन करेंगे बट फटाफट -फड़ से इस पर्टिकुलर सेशन की <coughs> लिंक को कॉपी करा जाए और शेयर करना स्टार्ट किया मैक्सिमम जहाँ कहीं भी आप लोग रीच है व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ यार एक बार शेयर कीजिएगा तो बढ़ते हैं आगे तो जितने भी लोग यहाँ पे नए पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ब्लाइक को जरूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज कैसी भी न्यूज होती है सबसे पहले हम ही करते हैं और सबसे पहले गुड न्यूज आपसे बिल्कुल को हम देते हैं ना चाहे वो नोटिफिकेशन की हो चाहे वो रिजल्ट की हो या फिर वो किसी और चीज़ की भी हो ठीक है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेकिन को प्रेस कीजिएगा आगे बढ़ते हैं आप सभी लोगों के फोन में एप्लीकेशन का भी होना जरूरी बिकॉज एप्लीकेशन पर भी हम लोग कहीं ना कहीं आर्टिकल्स वगैरह भेजते हैं आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि अपना रिजल्ट आ गया है नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम एनालिसिस इसको एक बार देख लो है ना तो शुरू करते हैं तो so अगेन बहुत सारा बहुत सारा यार कॉन्ंग्रेचुलेशन टू ऑल दस् पेरेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया फाइनली दोस्तों फाइव फिफ्टी वन वैकेंसीज में भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ बच्चों ने अपनी जगह पक्की की अभी हालांकि अभी आगे इंटरव्यू राउंड हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो आपका क्वालिफाई हो गया है राइट तो अभी आगे इंटरव्यू है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कैसे चेक करेंगे रिजल्ट को आइए चलते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे बैंक ऑफ सिद्धा की ऑफिशियल वेबसाइट पे या अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिजल्ट का जो लिंक है या जो रिजल्ट की पी है वो मैं अटैच कर देंगे ताकि उस पी के जरिए आप लोग अपना रिजल्ट को चेक कर सकें तो आइए चलते हैं अपनी पी को ओपन करते हैं कैसे रिजल्ट देखना है इस पर भी डिस्कशन करते हैं ठीक है येस तो ये आपके सामने आप लोग की पूरी मैंने पी खोल दी है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पी दिख रही होगी तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दो एनेजर में आपका रिजल्ट आउट हुआ है ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस एज अ रेफरेंस टू तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिसर स्केल टू थ्री फोर एंड फाइव प्रोजेक्ट तेईस चौबीस ठीक है ये गिवन है आप लोग का जो कि आप लोग का एग्जाम हुआ था मतलब इसके अलावा आपका जर्नलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम हुए था आपके स्केल टू एन स्केल थ्री के बाईस जनवरी को उसका रिजल्ट आ चुका है आप समझिएगा बात को सबसे पहले यहाँ पे दो एनेग्जर में आपका रिजल्ट गिवन है ठीक है आपका दो एनएक् में रिजल्ट गिवन है एनएक्र वन क्या है एनएक्र वन में आपके मार्क्स गिवन है देखो बोला गया है वी आर प्लीज टू अनाउंस द ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट पब्लिक मार्क्स इनक्लोज इन एनएक्र वन

अटेंडिंग इंटरव्यू प्रोसेस द कैंडिडेट शूड इन्श्योर द एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अच्छा इस क्वालिफिकेशन क्रिटेरिया मतलब वही है कि जो आप लोगों का नोटिफिकेशन uh, मतलब जो दिया है नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी उसका प्रूफ आपका होना चाहिए राइट तो कट ऑफ वगैरह भी यहाँ पे गिवन है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनएक् वन की बात करूँ तो एनएक्ट वन यहा देखिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या कहते हैं जो आपका ऑफिसर स्किल टू ऑफिसर स्किल थ्री के लिए एग्जाम हुआ था उसमें आपके तीन सब्जेक्ट थे ठीक है आप लोग का एलिमेंट्री इंग्लिश था क्वांट था आप लोग का रीजनिंग एबिलिटी था और साथ में प्रोफेशनल नॉलेज था तो यहाँ पे आप लोग के देखो रोल नंबर है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है फिर आपके यहाँ पे मार्क्स भी गिवन है मतलब 150 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं यहाँ पे गिवन है राइट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके मार्क्स वगैरह गिवन है रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट नहीं है ये एनेक्जर वन है यहाँ पे देखेंगे आप तो पेज नंबर टू में आपका एनेक्जर वन है इसमें आपको बताया गया कि आपके कितने मार्क्स हैं तो अपने आप रोल नंबर से चेक कर सकते हैं ठीक है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं बाकी एनेक्जियर टू जो है वो एट्टी फाइव पन्ने पर है ठीक है एनेक्जर 2 जो है वो कहाँ पे आपका 85 पन्ने पे है ठीक है 85 पन्ने पे आते हैं नीचे ही है है ना 85 है फाइव नहीं थोड़ा ये रहा एनेक्जर 2, है ना एनेक्जर 2 में आपका दे रखा है फाइनल रिजल्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे तो जनरल ऑफिसर जर्नलिस्ट ऑफिसर इन स्केल टू ये पूरा का पूरा आपका एनजल टू में जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट का पूरा का पूरा, पूरा कंप्लीट जो है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके पूरी पूरी सीरियल नंबर के साथ में यहाँ पे पोस्ट जिस पोस्ट के लिए हुआ है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे रिज़ल्ट आपको गिवन है आप देख सकते हैं पूरा कम्प्लीट रिज़ल्ट जो है यहाँ पे ठीक है तो ये पूरा का पूरा जो है आपका ऑफिसर स्केल टू जिसमें चार वैकेंसी थी उसका मतलब ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है तो उसमें ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन किया है देखते कितने बच्चों को सिलेक्शन किया है यहाँ सौ वैकेंसी के कितने लोग को लिया गया क्योंकि अभी, अभी इंटरव्यू राउंड भी होना है ठीक है अभी आपका इंटरव्यू राउंड भी होगा और इंटरव्यू के लिए आपको बैंक जो है आपके मेल पे आपको नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन देगा ठीक है तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है जिन मतलब जिनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है जिन्होंने अपना रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है ठीक है उसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो 400 वैकेंसी थी, थी आपकी ऑफिसर स्किल टू में तो देख रहा हूँ अच्छा खास लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है अभी देखिएगा पूरा जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरह से सर्च कर सकते हैं ठीक है तो 400 के लिए मतलब 890 लोगों को लिया है ठीक है मतलब एक वैकेंसी के लिए मान लो दो लोगों को लिया इंटरव्यू के लिए ठीक है इसके बाद आप लोगों का ऑफिसर स्किल थ्री हो गया जर्नलिस्ट ऑफिसर स्किल थ्री हो गया ऑफिसर स्किल थ्री की अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑफिसर स्किल टू में आपकी चार सौ वैकेंसी थी और यहाँ पे क्या कहते हैं सौ वैकेंसी थी राइट हंड्रेड वैकेंसी थी और हंड्रेड वैकेंसी में कितना लोग को यहाँ पे लिया गया okay, अगर आप देखिए ध्यान से ऑफिसर स्किल थ्री हो गया यहाँ पर भी दो ही लोग को लिया गया मतलब एक वैकेंसी के लिए दो ही लोग को लिया गया जहाँ तक ऑफिसर स्किल थ्री स्किल थ्री टू फिफ्टी एट तो ये आपका दे रखा है ठीक है तो इस तरह से अपना रिजल्ट आप अप चेक कर सकते हैं बाकी आपको इन्फॉमेशन मेल के द्वारा मिल जाएगी तो अपना मेल चेक कर लीजिएगा ना कैसे रिजल्ट को चेक करना है यहाँ पर कमेंट आ रहा है सर आई बी पी रिजल्ट कब आएगा फुल जैसी आएगा इन्फॉर्मेशन देंगे अप्रैल एक अप्रैल की वेट करो आई बी का फॉर्म फिल लास्ट डेट क्या है सर आई का फॉर्म आई तो भी आया ही नहीं बेटा नोटिफिकेशन तो भी आया नहीं अभी खाली खाली कैलेंडर आया है तो इस तरह से अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं सो अगेन यार बहुत सारा बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हो गया है एंड जिनका नहीं हुआ उनको ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन जो भी आप एग्जाम आगे आप दोगे उसके लिए भी आप लोग ऑल द बेस्ट ठीक है सो so, बस इंजॉय करो जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी होली तो बन गई जिनका नहीं हुआ बट कोई बात नहीं नेक्स्ट छोटी मेहनत करेंगे सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट लक बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यूज बिकॉज अभी राउंड टू होना बाकी है इंटरव्यू वगैरह भी होगा तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लेना बेलाइकन को जरूर प्रेस करना जैसे रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा